नमस्कार दोस्तों दोस्तों लंबे समय तक शारीरिक रूप से सक्रिय न रहने या फिर कम काम करने पर शरीर की मांसपेशियां जाम होना शुरू हो जाती है और ऐसे में कोई भी काम करना कठिन हो जाता है। शरीर के किसी एक अंग में काफ़ी कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है और इस स्थिति में मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है और इस स्थिति को मसल्स लॉस या फिर मस्क्यूलर एट्रोफी कहा जाता है और ऐसा उम्र बढ़ने या फिर फिजिकल एक्टिविटी न करने के कारण होता है और ऐसे में शरीर उन्हें ब्रेक डाउन करने लगता है ताकि एनर्जी को बचाया जा सके और इससे बचने के लिए रोज़ाना शारीरिक गतिविधि करना ज़रूरी होता है चाहे कम समय के लिए क्यों ना हो। और यही नहीं सर्जरी या फिर कुछ फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी वगैरह से भी इसका इलाज संभव है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मसल्स लॉस या फिर मस्क्यूलर एट्रोफी का क्या कारण होता है, इसके क्या लक्षण है और इसका इलाज क्या होता है। तो बात की जाए कि मस्क्यूलर एट्रोफी जो है इसके लक्षण क्या होते हैं, तो दोस्तों कम शारीरिक गतिविधियों के कारण ये परेशानी हो सकती है लेकिन कसरत और पौष्टिक आहार से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। यदि कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि मसल्स लॉस की समस्या है, जैसे कि लंबे समय तक कोई शारीरिक गतिविधि नहीं की है, शरीर के किसी एक अंग में काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही हो, एक पैर या एक हाथ दूसरे से छोटा प्रतीत हो रहा हो या फिर शरीर का संतुलन बना पाने में कठिनाई महसूस हो रही हो। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मस्क्यूलर एट्रोफी क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों मसल्स लॉस कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि उम्र बढ़ना या फिर शरीर की पौष्टिक ज़रूरतों का पूरा ना हो पाना और आनुवंशिक वगैरह। तो सबसे पहले बात की जाए पर्याप्त पोषण न मिलने की, तो दोस्तों शरीर की पौष्टिक ज़रूरतों का पूरा न हो पाना भी मसल्स लॉस का कारण बन सकता है। अगर डाइट में लीन प्रोटीन फल और सब्जियां शामिल न हो तो मांसपेशियों का मास कम होना शुरू हो जाता है और इनकी कमी के कारण शरीर बाकी का पोषण एब्जॉर्ब कर पाने में भी समर्थ नहीं रहता है और इस स्थिति में भूख न लगना या फिर अधिक खाने पर भी वजन का न बढ़ पाना, इस तरह के कुछ लक्षण भी शामिल होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए आनुवंशिक की, तो स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसके कारण शरीर की बाकी मसल्स भी प्रभावित हो सकती है जिससे कि मसल्स लॉस होता है। कई बार माता पिता के जीन्स में भी ये स्थिति होती है या जब ये मसल प्रोटीन प्रोडक्शन में शामिल होती है तब भी मस्क्यूलर एट्रोफी की समस्या हो सकती है और ये प्राकृतिक होता है और एम्ब्रियो के बनने से ही ये स्थिति शरीर में आ सकती है। उसके बाद कुछ मेडिकल स्थितियों की बात करें तो कुछ क्रॉनिक स्थितियां भी मसल्स एट्रोफी का कारण बन सकती है। गठिया MS जिसमें कि इम्यून सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, पोलियो और कई ऐसी स्थितियां मसल्स लॉस का कारण होती है और इन स्थितियों का इलाज करने से भी मसल्स जो है लॉस है उसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए उम्र की, तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो शरीर मांसपेशियों के विकास में मदद करने वाले प्रोटीन को बनाना कम कर देता है। अगर उम्र बढ़ने के कारण मसल्स लॉस होता है तो बैलेंस बना पाने में हिलने या फिर मुड़ने में मुश्किल महसूस होती है, मजबूती की भी कमी महसूस हो सकती है और इसे टाल पाना कठिन होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये लक्षण तो काफ़ी आम हो जाते हैं। और कुछ न्यूरोलॉजिकल स्थितियां भी होती है, जैसे कि किसी चोट लगने के कारण या कोई शारीरिक स्थिति होने के कारण वह नर्व्स डैमेज हो सकती है जो कि मसल्स को नियंत्रित करती है और इस कारण होने वाले मसल्स लॉस को न्यूरोजेनिक मस्क्यूलर एट्रोफी कहा जाता है और इस दौरान मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाती है क्योंकि ये नर्व से सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाती है। तो बात की जाए मस्क्यूलर एट्रोफी का इलाज क्या होता है, तो मसल्स लॉस का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि मसल्स कितनी डैमेज हुई है और इसकी क्या कंडीशन है। मसल्स लॉस के इलाज के लिए सर्जरी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी वगैरह की जाती है। सबसे पहले बात की जाए फिजिकल थेरेपी की, तो इस थेरेपी में कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी होती है ताकि शरीर की हलचल हो सके और बिल्कुल जाम होने से बचा जा सके और इस थेरेपी से मसल्स मजबूत होती है, सर्कुलेशन बढ़ता है और लोच कम होती है। उसके बाद बात की जाए फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी की, तो इस तकनीक के माध्यम से अल्ट्रासाउंड बीम को शरीर में प्रभावित हिस्से में डाला जाता है ताकि शरीर के कुछ विशेष भागों तक एनर्जी पहुँचाई जा सके और ये तकनीक अभी क्लिनिकल ट्रायल फेज में ही है। और उसके बाद बात की जाए सर्जरी की, तो अगर मसल्स लॉस का कारण कोई चोट लगना या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है तो सर्जरी के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों मसल्स लॉस जो कि बहुत से कारणों पर निर्भर करता है जैसे कि जेनेटिक, उम्र या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह, और इससे बचने के लिए या फिर इसे ठीक करने के लिए रोज़ाना थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज और डाइट में पौष्टिक चीज़ों का सेवन जरूरी है। साथ ही फिजिकल थेरेपी, सर्जरी वगैरह से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है।
भविष्य में मसल्स को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि आज ही खुद को सक्रिय किया जाए। मॉर्निंग या इवनिंग वॉक भी इस समस्या से बचने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, और साथ ही ऐसी कोई भी समस्या महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।